देखिए यहाँ पर जब पुलिस की टीम यहाँ पर जब पहुंची है डी मार्ट के अंदर, तो एक हमको बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने नजर आई है, देखने को मिली है। एक तरफ दुनिया में कोरोना वायरस से एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। मास्क लगाने को कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही डी मार्ट की ओर से नजर आई है। डी मार्ट के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने किसी प्रकार से भी मास्क यहाँ पर नहीं लगा रखे थे। हालांकि यहाँ पर सैनिटाइज का उपयोग जरूर किया जा रहा है, लेकिन मास्क किसी के भी यहाँ पर कर्मचारी के देखने को हमको नहीं मिला है। पुलिस ने भी जो डी मार्ट के मैनेजर यहाँ पे हैं, उनसे यही कहा है कि आपके कर्मचारी इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रॉलियां हैं डी मार्ट पे, जो ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, उन ट्रॉलियों को भी सैनिटाइज कंटिन्यू लगातार नहीं किया जा रहा है। ये लापरवाही इस वक्त डी मार्ट में नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि 1 मीटर की दूरी का जो फासला लगाने की बात कही जा रही है, उसका भी या उसकी भी उसकी भी पालना यहाँ पर होती भी यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दी है। और ऐसी ही स्थिति बिग बाजार में भी है। हालांकि इस समय बाजार के अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांड है, लोग ये चाहते हैं कि सामान की बुकिंग ऑनलाइन हो जाए और लोगों के घर पे सामान सीधे पहुंच जाए, जिससे कि लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। और ऐसी व्यवस्था के लिए पुलिस ने डीमार्ट को भी कहा है कि टोकन सिस्टम शुरू करें, जिससे कि लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठा ना हो और जिन जिसका नंबर जब टोकन के मुताबिक आए तो वो यहाँ पर आए। और ऐसी स्थिति लगता है कि दर्शक भी यही चाहते हैं और शहर भी यही चाहता है इस वक्त कि उनको ऐसी सुविधा मिले कि जो ग्रोसरी का आइटम है, जरूरत का जो आइटम है, वो सीधे उनके घर पर डिलीवरी हो जाए। जो राज्य सरकार ने जो इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उनकी पालना में हमने पूर्व में जो आवश्यक चीज़ें नहीं थी, सिनेमा घर, जिम और आदि जो चीज़ें थी, वो हमने पहले ही बंद करा दी थी। परंतु क्योंकि जो मॉल्स में जो स्टोर हैं, जहाँ ग्रोसरी आइटम है, दैनिकचर्या की चीज़ें हैं, उनको बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको एहतियात बरतने के लिए हमने निर्देश जारी किए थे, जिनकी पालना हम करा रहे हैं। बाकी पब्लिक को भी जागरूक करने के लिए हमने एक जागरूकता अभियान हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार चलाया है। जहाँ जहाँ भीड़ आने की संभावना है, वहाँ वहाँ पर हम जा रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं और इससे बचने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। जितने भी मॉल्स हैं, उनमें हमने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आदमी स्टोर में एंटर हो रहा है या बाहर निकल रहा है, उसको सैनिटाइज करें और यूज़ करने के बाद में ट्रॉलियाँ वगैरह और जो कैश काउंटर वगैरह हैं, जहाँ जहाँ भी कस्टमर्स के हाथ लगते हैं, उनको सैनिटाइज करें। और इसके अलावा जो इनको एंट्री दी जा रही है, वहाँ पे इनका टेम्परेचर नापने की भी हमने हिदायत दी थी। टेम्परेचर नाप के अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो उसको अंदर प्रवेश ना दें। इसलिए लोगों को समझा, इसी की प्रकार से हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि कम से कम समय में वो बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें तो पूर्ण सावधानी और सतर्कता बरतने के बाद में ही ये निकलें। चूँकि इस वायरस के लक्षण 14 दिन बाद में प्रकट होते हैं, इसलिए ये पता नहीं चलता कि अपने बीच में कौन सा जो व्यक्ति है वो संक्रमित है और उसके कारण कितने लोगों को वो संक्रमण फैल रहा है। जब जिस भी देश में ये फैला है, वहाँ पे जब सेकेंड और थर्ड स्टेज पे जब देखा है, तो फिर उसके ये विकराल रूप धारण करता है। इसलिए ये पहले ही जागरूक करने से अब इनमें अपने यहाँ जो संक्रमित जो लोग हैं, उनकी संख्या में कमी लाई जा सकती है। राज्य सरकार की इसी उद्देश्य को देखते हुए हमने सब मॉल्स में जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ, और लोगों को जहाँ भी लोगों की भीड़ मिलती है वहाँ, हम ये जागरूकता संदेश लोगों को दे रहे हैं और उनको समझाइश कर रहे हैं। अफवाहों पर किस तरह से आपने समझाइश की, जो बिहार में कई तरह के आपराधिक तत्व भी सक्रिय हो रहे हैं? हाँ, लोगों को जागरूक करने के दौरान हम केवल कोरोना वायरस के लिए नहीं कर रहे हैं, कोरोना वायरस को लेके जो तरह तरह से लोग, जो ठग लोग हैं या जो लुटेरे हैं, वो इसको कोई घटना को अंजाम देने के कई जगह पे ये घटनाएं हुई है, तो हम इसलिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें, खुद सोचें समझें, और किसी भी प्रकार की पूर्ण मतलब जो जानकारी लिए बिना किसी को भी अपने घर में सरकारी कर्मचारी समझ के प्रवेश ना दें। और सैनिटाइज अगर कुछ कराना है तो अपने स्तर पर ही करें, और क्योंकि हर घर को सैनिटाइज करना है तो सरकारी उसकी जो सीमा संस्था है, उनकी सीमाएं हैं, तो आप भी अपने अपने घर को सैनिटाइज करें और करें। इसी प्रकार से जो ठग लोग इन कोरोना वायरस को डराने के हिसाब से जो फर्जी लिंक भेज के लोगों को क्लिक करने के लिए बोलते हैं, उससे भी सावचेत रहने के लिए हमने समझाइश की।